अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन आपको दी है, उनको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाली इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, किस ब्लॉक का नाम है। तो देखिए, इसको हम कोई पूछ रहे आपसे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो डेफिनेशन है या कंसेप्ट है वो क्या है? द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहले हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं इस कॉल क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कोई आपसे पूछे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बताएं, लिखवाएं जी। ए एस की है फर्स्ट टर्म होती है, प्लस बी एस सेकेंड टर्म होती है, प्लस सी थर्ड टर्म होती है, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जब सॉल्व करते हैं एस की जो वैल्यूज आती हैं उसका सोल्यूशन होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम मेथड सीख चुके हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हम दो मेथड सीखे हैं। एक मेथड क्या सीखा था हमने? बाई फैक्टराइजेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड हमने क्या सीखा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये दो मेथड हमने सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। तो इसके हम फैक्टर तो नहीं बना सकते, जब इस फैक्टर नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, जो सी है उसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ए एस के है प्लस बी एस, तो सी दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस सी 0 ख़त्म हो जाएगा। अब उस प्लस क्या करते हैं, देखते हैं जो एस के के साथ, यहाँ पर खाली एस के होना चाहिए, यहाँ पर एस के साथ ए है, ए को हमने ख़त्म करना है। ए कैसे ख़त्म होगा, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे ए के साथ, डिवाइड बाई पूरे इक्वेशन में ए के साथ डिवाइड कर दें। ए एस स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एस ओवर ए इज इक्वल माइनस सी ओवर ए। ए कैसा हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेम प्राइस एस स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल माइनस सी ओवर ए। अब हमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, एस का साथ जो भी होता है एस का जो कॉफिशेंट होता है उसको हाफ कर लेते हैं। बी ओवर ए है, बी ओवर ए का हाफ कैसे होगा, इसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, किसी भी चीज़ का हमें हाफ करना है, क्या करते हैं इसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो बी ओवर ए, तो जब डिवीजन को हम डिवीजन में चेंज करेंगे तो 2 के नीचे क्या 1 है, तो ये 1/2 बन जाएगा। डिवीजन को जब आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये उलट जाएगा 1/2, तो बी इंटू 1 बी हो गया, 2 into 2 हो गया। अब क्या करेंगे, बी ओवर टू, जो बी ओवर ए है इसका जो हाफ है वो क्या है, बी ओवर 2 है। तो ये इसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, एडिंग क्या करेंगे, एडिंग बी ओवर 2 ए स्क्वायर, बी ओवर 2 ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर बी ओवर 2 ए को हम ऐड कर देंगे। पहले लिखेंगे ये दोनों टर्म लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस इसको ऐड कर देंगे बी ओवर 2 ए स्क्वायर, इससे यहाँ पर माइनस सी ओवर है, फिर इसको हम ऐड कर लेंगे प्लस बी ओवर 2 ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब ये देखिए फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यह फार्मूला अनपढ़ है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। ये वाला ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये वाला बी स्क्वायर है, ठीक हो गया। ए के वाले कहते हैं एक्स है, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स हो गया, ए हो गया प्लस ये वाला बी ओवर 2 ए स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया है। इसको हमने क्या किया, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, इस ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए के वाले एक्स है, ये बी की वैल्यू है, इज इक्वल माइनस सी ओवर है प्लस ये को क्या हो जाएगा, स्केयर है इसका, तो बी स्केयर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 ए स्केयर,
इसका भी स्केयर ले लिया, इसका भी 2a का स्केयर 4a स्केयर होगा। अब राइट हैंड साइड को हम सिंपलीफाई करेंगे, इसको हमने वैसे लिख लेना है एस प्लस बी ए बाई टू ए स्केयर। क्या करें सिंप्लीफाई कर सकते, ये फ्रैक्शन है एलसीएम ले लेंगे ए और 4a स्केयर, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4a स्केयर। 4a स्केयर को ए के साथ डिवाइड करें, 4a स्केयर को ए के साथ डिवाइड करें, तो ए के कट जाए बाकी का बचेगा 4a बचेगा। 4a को माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4a को माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4a सी आ गया, ये प्लस है। 4a स्केयर को 4a स्केयर के साथ डिवाइड करें, 4a स्केयर को 4a स्केयर के साथ इसको इसका डिवाइड करें, क्या है 1 आया, वन को बी एस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बी एस के आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एस प्लस बी ए बाई टू ए स्केयर इज बी एस के पहले लिख रहे हैं बी एस केयर, इसका हमने पहले इसका साइन प्लस है ना, इसका पहले लिखते हैं इसका बाद में लिखते हैं माइनस 4a से ओवर 4a स्केयर है 4a स्केयर। अब ये अगर स्केयर हमने ख़त्म करना है तो स्केयर कैसे ख़त्म करते हैं, दोनों साइडों का स्केयर रूट ले लेते हैं। जब भी हमने स्केयर ख़त्म करना होता है क्या करते हैं, दोनों साइडों का स्केयर रूट ले लेते हैं। इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर भी हमने स्केयर रूट ले लिया, ये ले स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी का बचेगा एस प्लस वी एम टू ए इज इक्वल। जब स्केयर रूट लेते हैं फिर क्या लेते हैं, प्लस माइनस लिखते होते हैं, प्लस माइनस लिख देंगे बी ए स्केयर माइनस 4a से ऊपर वाले का स्केयर रूट हमने लिख दिया। नीचे देखें नीचे 4 है, 4 का स्केयर रूट क्या होता है 2 होता है, और ए स्केयर का स्केयर रूट क्या हो जाएगा a, ये देखिए ये 4a स्केयर है ना, ये 4a स्केयर, 4 का स्केयर रूट 4 2 का स्केयर है ये 2 हो गया, ये वाला स्केयर इसके साथ काटिएगा तो a रह जाएगा 2a, तो नीचे 2a हो जाएगा। अब प्लस b और 2 इसका दूसरे साइड पर ले जाएगा, इसको हमने दूसरे साइड पर ले जाना है, इसे इक्वल क्या हो जाएगा ऐसे इक्वल प्लस है लगा माइनस हो गया माइनस बी ए 2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4a से स्केयर रूट ओवर 2a। अभी ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है, अभी एक एलसीएम ले लेंगे, दोबारा एलसीएम ले लेंगे 2a 2a सेम है, इनका एलसीएम 2a आ जाएगा, 2a 2a से कट गया, 2a को 2a के साथ डिवाइड करें 2a डिवाइड बाई 2a 1 हो जाएगा, तो 1 को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस बी आ जाएगा प्लस माइनस फिर 2a को 2a से डिवाइड किया 1 मान गए कैसे मान दिया करें तो बी एस के माइनस 4a से और स्केयर रूट। ये आपका फार्मूला बन गया, इसे आ जाए फार्मूला ऐसे कर लो माइनस पी प्लस माइनस बी एस के माइनस 4a से और इसका स्केयर रूट ओवर 2a, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज कॉल्ड ये सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे हमें याद करना, बल्कि अभी याद हो गया होगा, दो तीन दफ़ा भी पढ़ लिया अभी याद हो जाएगा। माइनस पी प्लस माइनस स्केयर रूट बी एस का माइनस 4a से ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले की वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सॉल्व करना है, जिसमें देखें इसमें क्या चीज़ हमें चाहिए, b की वैल्यू है, a की वैल्यू, c की वैल्यू, तो हमें a b c की वैल्यू चाहिए। हमें अब देखें फर्स्ट पार्ट है, एक क्वेश्चन दी हुई है जिसका हमने सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या करेंगे अब देखिए, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू ये 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें कौन सी टर्म नहीं है, जो दरमियान वाली टर्म है एस वाली टर्म है, एस क्या तो इसमें है ना, सी भी इसमें है, जो दरमियान वाली टर्म है वो इसका नहीं है, उसको हम यूँ लिख लेंगे एस स्क्वायर जो टर्म मौजूद नहीं है, एस वाली टर्म मौजूद नहीं है, इसमें क्या लिखें प्लस 0s लिख लेंगे, 0s माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में दी हुई है जिसमें एस के पावर 2 है, जिसमें एस के पावर 2 होती है वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है ए एस के प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 हैं, तो हमें देख लें कौन सी टर्म इसमें से मिसिंग है, जो एस वाली टर्म है इसमें एस वाली टर्म नहीं है उसको हम 0 लिख लेंगे, 0s लिख लेंगे। अब देखें कंपेयर करें दोनों को, कंपेयर करें तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें एस के साथ क्या है, ये 1s स्केयर है, ये ए एस स्केयर है, ए के लिए कितनी आ जाएगी 1, ए इज इक्वल टू 1। इन दोनों को कंपेयर, जो गिवन इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से ये 1s स्केयर है, ये ए एस स्केयर है, तो ए के लिए 1 होगी, ये 0x है, ये bx है, तो b के लिए 0 होगी, b इज इक्वल टू 0।
तो ये सी क्या लिखा है, माइनस नाइन, ये प्लस ही है सी रिकॉर्ड माइनस नाइन। हमने क्या किया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज लिख ली हैं, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू माइनस नाइन। अब फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला क्या है, एस क्वाड्रेटिक फार्मूला, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये फार्मूला लिख दिया। अब हमें इस पर फार्मूले में ए बी सी की वैल्यूज ये वाली मुझे वैल्यूज इंपोर्ट कर देनी है, एस इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है जीरो, प्लस माइनस, फिर बी की वैल्यू जीरो और इसका स्क्वायर है माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस नाइन है, माइनस नाइन ओवर टू ए, टू इंटू वन, ए बी सी की वैल्यू हमने लगा दी है, ऐसे माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, जीरो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये जीरो ख़त्म हो गया, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, माइनस में प्लस, फोर वन से फोर, फोर नाइन जै थर्टी सिक्स, ये थर्टी सिक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू, टू वन जै टू, ऐसे ही कर प्लस माइनस, तो थर्टी सिक्स किसका स्केयर होता है, दस का स्केयर होता है, ये थर्टी, ये वाला ये थर्टी सिक्स या सिक्स का स्केयर है ओवर टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कट गया प्लस माइनस सिक्स ओवर टू, टू थ्री जार सिक्स, ऐसे कट प्लस माइनस थ्री, ऐसे कट आ जाएगा प्लस माइनस थ्री आ जाएगा, आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट आँख में लिख रहे हैं, आँख में लिखते थे सोल्यूशन है एस एस प्लस, इकट्ठा भी लिख सकते हैं प्लस माइनस थ्री, इसको आप इकट्ठा लिखते हैं या इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस थ्री और प्लस थ्री, इसमें भी लिख सकते हैं प्लस माइनस थ्री या इसमें भी लिख सकते हैं, दिस इज योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट है, इक्वेशन दी हुई है टू एस स्क्वायर, टू एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस वन, प्लस फाइव एस प्लस वन इक्वल, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, इसमें एस की हाईएस्ट पावर टू होती है, तो इसको हमने सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या करें, पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ए क्या लिखा है टू, ए इज इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू टू, बी की वैल्यू फाइव आ जाएगी, ए इज इक्वल टू फाइव, सी की वैल्यू वन, सी इज इक्वल टू वन। अब क्वांटिटी फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देनी है, ऐसे कर लो माइनस का साइन है, बी का वैल्यू कितनी है फाइव है, फाइव प्लस फिर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू फाइव है, फाइव का स्क्वायर फिर माइनस है फोर ए सी, फोर ए का वैल्यू कितनी है टू, ए का वैल्यू टू है और सी का वैल्यू वन है, नीचे फिर टू ए डिवाइडेड बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है टू, टू ए, ऐसे इक्वल ये माइनस फाइव प्लस माइनस, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है, ट्वेंटी फाइव, फोर टू जर एट, एट वन जर एट डिवाइडेड बाई टू, टू जर फोर, ऐसे इक्वल माइनस फाइव प्लस माइनस, ट्वेंटी फाइव में से एट माइनस करें, ट्वेंटी फाइव में से एट माइनस करें तो कितना आएगा सेवनटीन, सेवनटीन स्क्वायर रूट ओवर फोर। अब सेवनटीन किसी नंबर का स्केयर नहीं होता, जो सेवनटीन है किसी नंबर का स्केयर नहीं है, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन सेट लिख देंगे, माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ सेवनटीन अपॉन फोर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट किया, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट देखिए, उसमें आपको कौन सी इक्वेशन दी हुई है, थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर थ्री, इक्वेशन दी हुई है एस स्क्वायर माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स, ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एस स्क्वायर है फिर ट्वेंटी थ्री एस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो, तो उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल जीरो, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, दोनों को कंपेयर करेंगे ये वन एस स्क्वायर है, ए के लिए वन हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल क्या माइनस ट्वेंटी थ्री, सी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, ए बी सी की वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमने क्या करना,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ऐसे कर लो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ऐसे कर लो माइनस बी का लिख दिया। ये देखें ये एक ही वाला माइनस है, ये माइनस मैंने लिख दिया माइनस, फिर बी के लिए माइनस 23 है, पहले ये माइनस है फिर बी के लिए माइनस, दो माइनस इसमें आएंगे, एक वाला माइनस फिर बी के लिए माइनस 23 प्लस माइनस स्क्वायर फिर बी के लिए माइनस 23 है माइनस 23 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए के लिए 1 है और सी के लिए माइनस 24 है ओवर 2 है, तो ए के लिए 1 है, ऐसे ही कर लो माइनस माइनस प्लस हो गया 23 प्लस माइनस, अब 23 है तो 23 का जो स्केयर है वो क्या आता है, तो उसको हमें कैलकुलेटर यूज़ कर लें ताकि गलती ना हो जाए। 23 का स्केयर 23 स्केयर इक्वल क्या आता है 529। माइनस है जब किसी डाटे नंबर का स्केयर लेते हैं तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, स्केयर की वजह से माइनस आए ख़त्म हो जाता है 529। ये माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 4 को 24 से बढ़ने में करें 96 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 1 2। ऐसे ही कर लो 23 प्लस माइनस प्लस कर दें 529 में 96 प्लस कर दें प्लस 96 ये आएगा 625 ओवर 2। ऐसे ही कर लो 23 और 625 25 का स्केयर होता है, 625 ये वाला 25 का स्केयर है, या कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं स्केयर होता 25 लिखें आपका आंसर 25 आ जाएगा। ये स्टेप ना भी करें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 23, कैलकुलेटर यूज़ करें इसका स्केयर फाइंड करें वो 25 आ जाएगा, ये इसको काट दिया गया ये वाला डिवाइडेड बाई, अब देखिए प्लस माइनस दरमियान में इसको एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखेंगे एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इसको यूँ लिखेंगे ऐसे इक्वल 23 पहले प्लस करेंगे प्लस 25 ओवर 2 इधर में हमें आर लिखेंगे ऐसे इक्वल 23 आप पहले प्लस 25 लिखा माइनस 25 लिखेंगे 25 ओवर 200 आर मान गए, ऐसे इक्वल कितना हो जाएगा 5 6 3 8 48 ओवर 2 ऐसे इक्वल 23 माइनस 25 माइनस 2 ओवर 2 ऐसे ही कर लो 48 ओवर 2 24 हो गया, ये वाला माइनस 1 हो गया, तो सॉल्यूशन साइड लिखते हैं आखिर में 24 है माइनस 1 24 ओवर माइनस 1, तो माइनस 1 का पहले भी लिख सकते हैं इसको यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 1 24 जो नंबर पहले मर्जी लिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका आंसर दुरुस्त होगा। ये थर्ड पार्ट था, उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर 4। चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 में क्या इक्वेशन दी हुई है एस प्लस 1, ये देखें एस प्लस 1 स्केयर इज इक्वल टू 2s माइनस 1 स्केयर, ये इक्वेशन दी हुई है। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हमने क्या करना है, पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर इसको हम फार्मूला लगाएंगे। अब ये देखिए ये एक्स है ये 2x है, ये बड़ा ना ये छोटा है तो दोनों साइड चेंज कर लें, ये साइड को इधर लिख लें इस साइड को इधर लिख लें 2s माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल एस प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं इधर भी स्क्वायर खोल सकते हैं, लेकिन ये चूँकि 2s बड़े से इसका मैंने इधर लिख लिया और आपका जो काम आसान हो जाएगा। अब फार्मूला ए माइनस बी वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है ना माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 2s है बी की वैल्यू 1 है, ए इसका फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल, इस पर भी फार्मूला ये वाला ए है ये वाला बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस वाला प्लस 2ab 2 इंटू एस इंटू 1, तो दिस इंप्लाइज ये 2s का स्क्वायर कितना है 4s स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 4s स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता माइनस 2 से 4 4 से माइनस 4 ये 4x हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू 1 2x, दिस इंप्लाइज 4s स्क्वायर
यार जो एस केयर इसको इस साइड पर ले जाएंगे, माइनस एस केयर हो जाएगा, माइनस एस केयर, ये माइनस फोर एस लिखेंगे, ये ना टू एस है इधर आकर माइनस हो जाएगा माइनस टू एस, ये प्लस वन लिखेंगे प्लस वन, ये ना माइनस वन इधर आकर सॉरी प्लस वन लिखा हमने प्लस वन, ये वन इधर आकर माइनस हो गया, माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, फोर एस के वैसे एस के माइनस करें कितना थ्री एस के है, ये हो गया थ्री एस की है, माइनस फोर एस माइनस टू एस कितना हो गया माइनस सिक्स एक्स, माइनस सिक्स एस रिकॉर्ड। अब देखें दोनों में कामन आ रहा है, थ्री कामन आ रहा है, थ्री कामन ले लें दोनों में से थ्री कामन ले लें, एस की है माइनस टू रह जाएगा रिकॉर्ड, ये थ्री इधर आ जाएगा, थ्री मल्टीपाई हो रहा है ना इस साइड के ऊपर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एस की है माइनस टू इज इक्वल टू जीरो ओवर थ्री। अब देखिए इस पर दो टर्म्स हैं, एस वाली टर्म इस पर नहीं है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था एस किया इसमें इस प्लस इसमें एक्स वाले टर्म होनी चाहिए, उसका लिखें प्लस जीरो एस, क्या लिखें प्लस जीरो एस, ये माइनस टू इज इक्वल टू जीरो ओवर थ्री कितना होता है जीरो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन टर्म होती हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, जो दरमियानी टर्म है एक्स वाली टर्म वो मिसिंग है, उसका हम क्या कैसे लिखेंगे जीरो एस के साथ लिख लेंगे। अब हम लिख लेते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो ये वन एक्स स्क्वायर है, ए के वाले वन आ जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, सी इज इक्वल टू माइनस टू। अब फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस बी के वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस माइनस फिर बी की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू जीरो है, जीरो स्क्वायर माइनस फोर, फिर ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू माइनस टू ओवर टू है, टू इंटू वन, ऐसे ये जीरो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस इमें जीरो खत्म हो गया, माइनस में प्लस हो गया, फोर टू दर एट ये होगा, इसको वैसे ही लिखते हैं फोर इंटू टू, माइनस में प्लस हो गया फोर इंटू टू, इसको वैसे ही लिखते हैं मैंने ओवर टू वन जो टू, ऐसे ही कर प्लस माइनस, ये देखिए फोर है, फोकस के रूट कितना होता है टू होता है, फोकस के रूट टू होता है, इसको मैंने टू लिख दिया, ये जू है इसका स्केयर रूट इसके ऊपर वैसे ही आ जाएगा डिवाइडिंग में टू, ठीक है, ये फोर है इसका स्केयर रूट टू होता है, इसको मैंने टू में लिख दिया, इसका स्केयर रूट इसको मैंने वैसे लिख दिया, टू टू के साथ कैंसिल हो गया, ऐसे कट गया प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ टू, तो जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ टू। अब इसको अलग भी लिख सकते हैं, इसका यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस दो है ना माइनस स्केयर रूट ऑफ टू और प्लस स्केयर रूट ऑफ टू, चाहे इस तरह लिखें चाहे आप इस तरह लिखें, दोनों आपके यहाँ से दुरुस्त है। ये पार्ट नंबर फोर तक करते हैं, पार्ट नंबर फाइव करते हैं, पांचवा पार्ट इसका, इसमें भी दिया हुआ है एस प्लस वन ओवर टू, इक्वेशन दी हुई है एस प्लस वन ओवर टू माइनस है एस इन टू एस प्लस टू ओवर थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक क्वेश्चन दी हुई है, इसमें देखिए फ्रैक्शन है, तो पहले नीचे जो टू और थ्री इसको हम ख़त्म करना है, टू और थ्री का एलसीएम कितना दस सिक्स होता है, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स होता है, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय सिक्स, ये फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए पूरी क्वेश्चन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, सीएगा सिक्स बाई सिक्स इंटू एस प्लस वन ओवर टू ब्रैकेट में लिख लें, फिर माइनस फिर इसको भी सिक्स के साथ मल्टीप्लाई सिक्स इंटू एस इंटू एस प्लस टू ओवर थ्री सिक्स इंटू जीरो, पूरी इक्वेशन का हमने सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, टू थ्री इधर सिक्स, टू थ्री इधर सिक्स, ये थ्री इंटू एस प्लस वन, ये थ्री टू इधर सिक्स माइनस टू एक्स, ये क्या टू एक्स हो जाए टू एक्स इंटू एस प्लस टू सिक्स इंटू जीरो जीरो हो गया। अब थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री एक्स प्लस थ्री वन थ्री माइनस टू एक्स का एक्स का मल्टीप्लाई करें माइनस टू एक्स किया माइनस प्लस माइनस हो गया टू एक्स इंटू टू फोर एक्स इज इक्वल जीरो, ये थ्री एक्स प्लस थ्री हो गया माइनस टू एक्स किया माइनस टू टू जार फोर एक्स। आप क्या करेंगे अरेंज कर लेते हैं, पहले माइनस टू एक्स क्या लिखते हैं माइनस टू एक्स किया
प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स फिर माइनस फोर एक्स ये मेरा प्लस थ्री। अरेंज कर लिया पहले एस का डेटा माइनस टू एक्स का फिर प्लस ये वाला प्लस है प्लस थ्री एक्स फिर माइनस फोर एक्स फिर प्लस थ्री ये हो गया माइनस टू एक्स किया और प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल। तो एस के साथ हमेशा साइन प्लस का होना चाहिए, यहाँ पर माइनस का साइन है माइनस से हमें ख़त्म करना है इसको प्लस बनाना है। कैसे प्लस का रंग बनाएंगे पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे चेंजिंग साइंस। जब भी शुरू में एस के साथ माइनस का साइन आ जाए तो हमें पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर देना, ये माइनस से प्लस हो जाएगा टू एस के है प्लस है तो माइनस ये भी प्लस हो गया ये प्लस है ये वाला माइनस हो गया ये दोनों माइनस है ये दोनों प्लस हो गया ये प्लस है ये वाला माइनस हो गया। अब ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसको लिखेंगे ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे तो ये ए के वाले टू आ जाएंगे तो दिस प्राइस ए इज इक्वल टू टू और बी के वाले कितने आगे एक्स वन एक्स है ये क्या वन एक्स है बी इज इक्वल वन हो गया सी के वाले के आगे माइनस थ्री सी इज इक्वल माइनस थ्री। अब फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला एस इक्वल क्या है माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी एस के माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी के वैल्यू कितनी है वन है वन प्लस माइनस फिर बी की वैल्यू वन है माइनस फोर ए की वैल्यू टू और सी की वैल्यू माइनस थ्री वैल्यू स्पोर्ट कर दी ए में सी की नीचे भी टू ए है टू ए की वैल्यू टू आ गई ऐसे कर लो माइनस वन माइनस प्लस माइनस वन का स्केयर वन होता है ये माइनस माइनस प्लस हो गया फोर टू जार एट ए थ्री जार ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू टू जार फोर ऐसे कर लो माइनस वन प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और फोर ऐसे कर लो माइनस वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव का स्केयर है ट्वेंटी फाइव का स्केयर फाइव आ जाएगा फाइव ओवर फोर। अब दो प्लस माइनस है एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ ऐसे कर लो माइनस वन प्लस फाइव ओवर फोर और ऐसे कर लो माइनस वन माइनस फाइव ओवर फोर क्या लिखा है माइनस वन प्लस फाइव ओवर फोर ये माइनस वन माइनस फाइव ओवर फोर ऐसे कर लिखा ये फाइव माइनस वन फोर हो गया फोर ओवर फोर ऐसे कर लो ये माइनस सिक्स हो गया माइनस सिक्स ओवर फोर तो ये ऐसे कर लो फोर वन सर फोर ये वन हो गया माइनस ये टू टू से कट जाएगा टू थ्री जर सिक्स टू टू जर फोर दो तीन छः दो दो नहीं चार ये सोल्यूशन साइड लिख देंगे सोल्यूशन साइड ये वन आ जाएगा माइनस ये वन टू वन माइनस थ्री ओवर टू ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पांचवा पार्ट था हम इसका छठा पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन का भी पार्ट नंबर सिक्स छठा पार्ट है इक्वेशन है एस माइनस टू एस माइनस सिक्स एस माइनस टू एस माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू एस प्लस वन टू एस प्लस वन और एस प्लस वन। अब देखें जी दोनों साइड चेंज भी कर सकते हैं देखिए टू एस एक्स है इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है इधर टू एस है तो ये बड़ा नंबर है ये वाला दोनों साइड चेंज कर ले साठ आ जाएगा चेंज ना करें फिर भी ये ठीक है ऐसे भी चले ऐसे ही कर लेते हैं चेंज नहीं करता क्या करेंगे पहले एस को मल्टीफाई करना है एस माइनस सिक्स के साथ एस इन लो एस माइनस माइनस टू का मल्टीफाई करना है एस माइनस सिक्स के साथ इज इक्वल इधर टू एस को मल्टीफाई करेंगे एस प्लस वन के साथ टू एस इन लो एस प्लस वन फिर प्लस वन को मल्टीफाई करेंगे एस प्लस वन के साथ तो क्या आ जाएगा एस इन टू एस एस के हो गया ये माइनस एस इन टू सिक्स सिक्स एस हो गया माइनस टू एक्स ये माइनस वन प्लस हो गया टू सिक्स आर ट्वेल्व टू एस इंटू एस टू एस के है प्लस टू एस इंटू वन टू एस वन इंटू एस एस वन इंटू वन वन। तो अब देखिए क्या करना है एस के है ये माइनस सिक्स एस माइनस टू एस दोनों इकट्ठा कर लेंगे माइनस एट एस हो जाएगा माइनस एट एस प्लस ट्वेल्व टू एस के है टू एस प्लस एस कितना हो गया प्लस थ्री एस हो गया प्लस थ्री एस प्लस वन। अब ये देखिए एस के ये टू एस के है तो क्या करेंगे एस के है ये टू एस के इधर का माइनस हो जाएगा माइनस टू एस के है ये माइनस एट एक्स
ये 3s एक तरह का माइनस हो गया, माइनस 3s, ये प्लस 12, ये प्लस 1 है, एक तरह का माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एस के माइनस 2s के माइनस एस केयर हो गया, माइनस 8 माइनस 3 कितना है, माइनस 11x, 12 माइनस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का साइन है एस के साथ, ये माइनस का ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे, चेंजिंग साइन, सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस एस हो जाएगा, प्लस एस किया, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 11s, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब जो देखें अब क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, ए एस किया प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, ये 1s किया है, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 11 आ गई, बी इज इक्वल टू 11, सी की वैल्यू माइनस 11 ए जी सी की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करना है, फार्मूला लिखना है, क्वांटिटी फार्मूला क्या होता है, क्वांटिटी फार्मूला फार्मूला होता है एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वांटिटी फार्मूला है। एस इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, 11 है, प्लस माइनस की बी की वैल्यू 11 है, इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 11 है, सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। एस इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121, ये माइनस का प्लस हो गया, 11 फोर ज़ार 44 ओवर 21 ज़ार 2। एस इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस प्लस का दे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 और 1 165 डिवाइडेड बाई। और देखिए 165 में ये सिंपलीफाई होता है या नहीं होता है, इसको चेक कर लेते हैं, 165 में इसके प्राइम फैक्टर में 3 से डिवाइड हो जाते हैं, वाला 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 ज़ार 15, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 11 ज़ार, तो सिंपलीफाई नहीं होता ये वाला, ये 3 है, ये सारे डिफरेंट है ना, तो सिंपलीफाई नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इस साइड इसको लिखते हैं माइनस 11 प्लस माइनस 165 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.1 तमाम क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स किए हैं, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।